यस बॉस, मोतीचूर का बड़ा लड्डू रख दिया है। 15 अगस्त के दिन बड़ा तहलका होगा, पूरा शहर चूर चूर हो जाएगा। सीआईडी क्या करेगी? सीआईडी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ कोशिश करेगी। उनको भी शहीदों में शामिल करने का पूरा प्लान कर चुका हूं, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। 15 अगस्त के दिन ये देश खुशियां नहीं, मातम मनाएगा, मातम। ये क्या है? हॉलिडे रिसॉर्ट का ब्रोशर? ये किस केस में तहकीकात कर रहे हो? मिशन पत्नी खुश। वो क्या है, कई दिनों से स्मिता को कहीं घुमाने नहीं लेके गया ना, इसीलिए वो मेरा केस ले रही है। ओहो, छुट्टियों पे जाना चाहते हो फ्रेडी? सिर्फ एक दिन के लिए सर, कल 15 अगस्त है, सोचा उसे कहीं घुमा लाऊं। नहीं फ्रेडी, कल 15 अगस्त जरूर है, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन फ्रेडी, जब हमारे देशवासी खुशियां मनाते हैं तो हमें और भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। यस सर। सर, सैयद ज्योत्सना है और उनकी बेटी सोनिया आपसे मिलना चाहते हैं। पहचाना मुझे? पांच साल पहले आपने तो मेरी जान बचाई थी। जी हाँ सर, उस वक्त सिर्फ ये 10 साल की थी। अच्छा, कौन से केस में बेटा? स्कूल पिकनिक किडनैपिंग केस। ओ, अच्छा 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 अच्छा। अरे तुम तब कितनी बड़ी हो गई हो, हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? सर ये 10वीं में पढ़ रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो बता कैसे आना हुआ? सर हमारे स्कूल में ना कल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, तो आप जरूर आना प्लीज। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। सर कोशिश नहीं, जरूर आना, चाहे 10 मिनट के लिए सही प्लीज। ठीक है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। जी बाय। बाय बाय। थैंक यू। मैं कमिश्नर। सर हाँ। सर रौनित नाम है मेरा, मैं दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्टर हो, बताइए। कुछ देर पहले मुझे एक आदमी का फोन आया था। हाँ। वो मुझसे कह रहा था कि कल इस शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला? अरे तो फिर मौसम विभाग को इन्फॉर्म करो ना भाई। सर हमें क्यों बता रही है? फ्रेडी। सर वो उस तूफान की बात नहीं कर रहा था, दरअसल वो कल इस शहर में होने वाली तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। आतंकवादी हमला? उसका नंबर आया होगा ना तुम्हारे मोबाइल पर? जी हाँ, 00991 319 528। काम करो, इस नंबर का पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर हाँ। एक बात और सर। वो क्या? मैंने उसके साथ जो भी बातचीत की वो सब मैंने अपने इस मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। एक्सेलेंट रजत। थैंक यू। पत्रकार महोदय, कल की ताजा खबर आज सुन लो। कल 15 अगस्त के दिन एक बार फिर आम जनता को आजादी मिलेगी, उनके जीवन के टेंशन और परेशानियों से उनको हम मुक्ति दिलाएंगे हमेशा के लिए। कौन कौन बोल रहे हो तुम? और बोल रहे हो? यमराज। ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2, 4, 6, 8 नहीं सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना कल के अखबार। लेकिन सर दहशत फैलाने वाला शायरी क्यों बोलेगा? सर मुझे तो लगता है किसने मजाक किया। नहीं रजत, इसे मजाक मत समझो, जरूर इस धमकी के पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा है। फिर से सुनो, जरा वॉल्यूम बढ़ा। यमराज ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा। हाँ सर, कोई चिल्ला चिल्ला के कुल्फी बेच रहा है। नथु की कुल्फी, नथु की कुल्फी, नथु की कुल्फी, नथु कुल्फी वाला।
सर, एक नद्दू कुल्फी वाले को मैं जानती हूँ, वो मेरे कॉलेज के पास बैठता था। तो फिर इस नत्थू कुल्फी वाले को पकड़ो, उठाओ उसे। कुल्फी, नत्थू की कुल्फी ले लो, कुल्फी। सर ये देखिए, नत्थू की कुल्फी ले लो। ये रही नत्थू कुल्फी वाले की दुकान सर। कुल्फी वाला, नत्थू कुल्फी वाला, नत्थू की कुल्फी ले लो, कुल्फी। हाँ सर। हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी कहिए। अच्छा, कल आपने यहाँ पर किसी को फोन पे बात करते सुना था जिसके हाव भाव कुछ अजीब हो या जिस पे शक हो आपको? अरे साहब, इस शहर में तो सभी अजीब लोग रहते हैं। किस किस पर नजर रखे, कौन कहाँ करबत है, कौन कहाँ नहीं करबत है, हमका नहीं मालूम साहब। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि ठेला रोज यहीं पे लगाते हो तो? हाँ साहब, इसी रोड पर। कल कहाँ पे ठेला लगाया था? कल वो उधर लगाया था साहब। वहाँ लगाया था? चलो दिखाओ जरा। ई साहब, इधर लगाए थे हम। बाकी सब दुकानें तो खुली हुई हैं, एक ये ही जगह बंद है, क्यों? अरे साहब, ये तो बहुत दिन से बंद पड़ी है, वो तो गोपाल जी ही बता सकते हैं क्यों। गोपाल कौन है? अरे इस जगह के मालिक हैं। उनको बुला के ला। जी। ताला तो पहले से ही खुला हुआ है सर। सारी मशीनरी है, तो फैक्ट्री लगती है। हाँ सर, लोग तो खाली गोडाउन में भी ताला लगा के रखते हैं, और यहाँ इस फैक्ट्री में इतना सामान होने के बावजूद फैक्ट्री का ताला खुला हुआ था, क्यों? मर चुका है सर, सीने पे गोली मारी है किसी ने, ताजा है घाव, अभी भी गोली लगी है। ये कोई रमेश है? तारिका, जरा से चेक करो क्या है ये। सर, क्या पता चला? बस इसके हाथ की उंगलियों में सफेद पाउडर लगा हुआ है, देखो। और खासकर ये पहली वाली और ये बीच वाली उंगली में ज्यादा है। मगर सालू के साथ ये है क्या? कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं है? नहीं फ्रेडी सर, ये ड्रग नहीं है, ये पाउडर अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है ना? ये अमोनियम नाइट्रेट कुछ और बनाने के काम में भी आता है, बॉम्ब बनाने के काम में, एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, दो चार छह आठ नहीं सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा, इतना छाप देना। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा कि दो चार छह आठ नहीं सैकड़ों को डुबा ले जाएगा। इन्हीं दो लाइनों में जरूर कोई ना कोई क्लू छुपा है, इन्हीं दो लाइनों में, पर क्या? लेकिन सर, वो पूरब से पश्चिम तक की बात क्यों कर रहा? वही तो मैं भी सोच रहा हूं रजत, मैं भी वही सोच रहा हूं। और एक बात ध्यान में आई तुम्हारे? उसने सवारियों की बात की है, सवारियां मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसेंजर्स। सर, हो सकता है वो किसी कार की बात कर रहे हो और कार में सफर करते हुए किसी वीआईपी को टारगेट बनाया हो। सिर्फ कार ही क्यों, वीआईपी क्यों? पूर्वी, टैक्सी भी तो हो सकती है, बसेस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है। आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट
का बॉम्ब एक आदमी को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर सर पता कैसे चलेगा कि आतंकवादियों का टारगेट कौन है और क्या है सर? 2468 इन्हीं चार अंकों में या फिर इस एक नंबर में कोई ना कोई राज छुपा है। सर 2468 किसी टैक्सी या बस का रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें दो अल्फाबेट्स भी लगते हैं और धमकी में तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं है। सर 2468 किसी बस या ट्रेन का रूट नंबर हो सकता है? हो सकता है। पता लगाओ इस नंबर के बारे में, 2468 के बारे में, जल्दी। सर लेकिन रजत 2468 किसी ट्रेन का भी तो नंबर हो सकता है। 2468 अप, 2468 डाउन। सर एक बात समझ में नहीं आई, जो भी ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है वो हमें इस बारे में बता के वार्निंग क्यों दे रहा है? रजत वो हमें वार्निंग नहीं दे रहा है, चैलेंज कर रहा है हमको, चैलेंज कि अगर है तुम में हिम्मत तो बचाओ अपने देशवासियों को। वो नहीं जानता कि हम अपने देशवासियों को तो बचाएंगे ही पर साथ साथ उसे भी खत्म कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे उसे भी। सर सर 2468 एक ट्रेन का नंबर है जो हरियाणा से बैंगलोर जाती है। हरियाणा से बैंगलोर? हरियाणा बैंगलोर, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण कैसे? क्योंकि उसकी पंक्तियों में तो पूरब से पश्चिम लिखा है, पूरब से पश्चिम। नहीं सर, मैंने मुंबई के सारे बस रूट की इंक्वायरी की, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाने के लिए जो बस रूट है उसका नंबर है 2468। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, रूट नंबर 2468। सर रूट नंबर 2468 की दो दो बसों को तो चेक किया है, अब क्या करें? कहने का जादू है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा खेला हो और बल कहीं और जगह पर फिट किया गया हो? बेटी फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सारी बसें चेक करनी ही पड़ेगी। ये बात तो है सर, वो देखिए सर बस जा रही है। Hey, रोको बस को, रोको रोको बस को। Excuse me. आप सभी लोग जरा बस से बाहर चले जाइए। क्यों क्या हुआ, हम लोग नीचे क्यों उतरे? देखिए हम लोग CID से हैं, इमरजेंसी है, प्लीज निकलिए और अपना अपना सामान लेके निकलिएगा, कोई भी सामान यहाँ मत छोड़िएगा, ले जाइए सब। आप रेडी? सर नीचे छाता रखा है। सर कहीं इस छाते में तो बम नहीं? सर संभाल के, कुछ भी हो सकता। माय गॉड, हम छाते से ज्यादा भारी है, हो भी सकता है। सर अंदर टाइमर लगा है, 90 सेकंड बाकी है। सिर्फ 1.5 मिनट वायर है इसमें, ला 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 देना। सही है, ये टाइमर पर रेड वायर है, रेड वायर। सर टाइमर तो अभी भी चल रहा है और सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। सर जल्दी करिए। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया फ्रेडी। जब हमें ये बॉम्ब मिला था तो ब्लास्ट होने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे, इसका मतलब जिस आदमी ने इसे रखा है वो बस में होगा नहीं, पीछे ही उतर गया होगा। सर इतना छोटा और लो इंटेंसिटी का बॉम्ब कोई बस में क्यों लगाएगा जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो?
दहशत फैलाना चाहता है वो सचिन, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और वो कहीं बड़ा ब्लास्ट कर सके। सर सर सर, उस आदमी का मेरे पास अभी दोबारा कॉल आया था। क्या कहा उसने? उसने सिर्फ एक संदेश दिया है और उस संदेश को दैनिक टाइम्स के कल के एडिशन में छापने के लिए कहा है, वरना 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 क्या? वरना वो इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, तबाही मचा देगा और इस तबाही में हजारों मासूम लोगों की मौत हो जाएगी सर। लेकिन एग्जैक्टली वो छापना क्या चाहता है? लीजिए सर, उसने जो कुछ भी फोन पे बोला मैंने इसमें सब नोट कर लिया है। कोई भी 15 अगस्त को घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सारे स्वतंत्रता दिवस के समारोह रद्द किए जाएं, अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो सारा शहर पछताएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस बार किस नंबर से फोन किया था उसने? वही नंबर सर, पहले वाला। वही नंबर? मतलब नंबर डिस्ट्रॉय नहीं किया? पूर्वी, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? जी सर, वो नंबर जिस नाम पर रजिस्टर किया गया था वो जाली है और एड्रेस भी। और उस जगह का पता चला जहाँ से ये आदमी फोन कर रहा है? हाँ सर, सर उस फोन के मूवमेंट को हमने ट्रैक किया है और पता चला है कि उसने ज्यादातर कॉल्स शाम 4 से 5 बजे के बीच किए और उसने सारे कॉल्स वीरा देसाई रोड के पास से ही किए। वीरा देसाई रोड? पूर्वी, इस फोन को ट्रैक करो, पता करो वीरा देसाई रोड पे ये कहां से फोन कर रहा है। सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सर एक मिनट, ये लाइन मैंने कहीं सुनी हुई। कहां सुनी? हाँ सर, वो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, दिवाकर जी, ये लाइन उनकी है। दिवाकर जी? सर एक देश प्रेमी की कविता के साथ इन देशद्रोहियों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो है फ्रेडी, दिवाकर जी का पुतला सरोजनी नगर में है और वहां पे एक बड़ा बाजार भी है। कहीं अगला ब्लास्ट ये लोग सरोजनी नगर में तो नहीं करने वाले। 4 बज गए, ज्यादातर कॉल्स उसकी 4 से 5 बजे के बीच की ही है। उसने अपना फोन स्विच ऑन किया होगा, फोन करती हूँ उसे। हेलो। हेलो, हाँ जी जी, मैं प्लाज्मा बैंक से अनुराधा बोल रही हूँ। सर आप हमारी बैंक का ऑफर सुन लीजिए। देखिए सर, ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आपकी क्रेडिट लिमिट है। मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। हेलो, काट दिया? इसका नंबर लोकेशन तो अभी भी वीरा देसाई रोड पर है, पर एग्जैक्टली ये है कहाँ? पीछे से कांच की क्रॉकरी की आवाज आ रही थी और म्यूजिक भी चल रहा था। ये कोई रेस्टोरेंट ही होगा। रेस्टोरेंट्स यहाँ पास में तो 40 रेस्टोरेंट्स हैं। सर ये मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहता है और आज बंद वाला दिन है, तो सर उन लोगों ने बंद वाले दिन को क्यों चुना है ब्लास्ट करने? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मतलब बमवानी है। मुझे लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। कविता ने तो कहा था कि सरोजिनी नगर, द्वारका जी पुतले के पास सरोजिनी नगर। सरोजिनी नगर? लेकिन तुम उसी एरिया के आसपास रहते हो ना? हाँ सर। तो फिर सरोजिनी रोड के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ होती हो? हाँ सर, वहाँ पे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, LSG कमर्शियल हब। जी, मुझे नहीं लगता कि बॉम्ब इस कॉम्प्लेक्स में रखा होगा। हाँ, वहाँ पे तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब रखा है इसने? सरोजिनी नगर के पास एक जॉगर्स पार्क है और उसका नाम भी सरोजिनी पार्क है, कहीं बॉम्ब वहां तो नहीं? हेलो। नहीं सर, अभी पता नहीं चला। ओके सर, ओके।
दूसरे नंबर से ट्राई करती हूँ। हेलो हाँ सर, मैं टॉकी टॉन से दीपिका बोल रही हूँ। सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हेलो ये कोई रेस्टोरेंट में तो है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं है। और इस बार ग्राइंडर की आवाज आ रही थी, कॉफी मशीन की आवाज। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करें? सबको बाहर निकालना तो पड़ेगा। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज प्लीज बाहर निकलिए यहाँ से। आइए, हम लोग सीआईडी से, आप लोग बाहर जाइए, जल्दी चलिए प्लीज। कम ऑन, जल्दी, हरी प्लीज, प्लीज सब लोग बाहर चलिए जल्दी। बम है इसमें, एक मिनट। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ, सिर्फ 58 सेकंड है हमारे पास, हमें कुछ करना पड़ेगा। बॉम्ब लो इंटेंसिटी का लगता था। हाँ अभिजीत, अगर बॉम्ब फटा तो कम से कम 6-8 लोग तो मरेंगे। एक दो तीन चार, ये चार वायर है सर, सिर्फ 37 सेकंड बचे हैं सर। क्या करें, ये बाहर का है, इसको काट देते हैं। ये वाला काटना, ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ? येलो रेड एंड ब्लू, तीन वायर है। सेट रख रहा है ये? नहीं 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 नहीं, ये टाइमर से जुड़ा हुआ है। येलो oh no. सर 12 सेकंड बचे हैं सिर्फ, दो ही बचे हैं। क्या करें, इन दोनों में से कोई एक काटो। नहीं दया, 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है सर। सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं सर, एक ही रास्ता है, छोड़ो।
यू आर अंडर अरेस्ट। तुम आप लोगों में से किसी ने भी वहां उस झाड़ के पास किसी आदमी को देखा था? देखिए प्लीज, किसी को कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ। किसे किसे देखा था? ये लड़का कुछ देर पहले झाड़ के पास खड़ा था। तो ये अंकल, आपका कहने का मतलब है कि वो बम मैंने वहां पे रखा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो बम वहां पे नहीं रखा। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आए थे, क्या करने आए थे? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ले रहा हूँ। वो फोटो देख सकता हूँ? अगर कुछ पर्सनल नहीं है तो। थैंक यू। इस फोटो में तो वो झाड़ एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, मगर यहाँ झाड़ के आसपास कोई ब्रीफकेस दिख तो नहीं रहा है। टाइम है 7:33। हमारे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले खींची गई ये फोटो। यानी वो ब्रीफकेस बहुत पहले नहीं, अभी भी रखा गया था। हमारे आने से कुछ देर पहले वो आतंकवादी ब्रीफकेस रख के भाग गया। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि इन 2-3 मिनटों के बीच में कौन कौन इस मार्ग से पार गया है, शायद वो आतंकवादी हमारे हाथ लग जाए। आप लोग ये बताइए, किसी ने भी इन 2-3 मिनटों में किसी आदमी को पार्क से बाहर जाते हुए देखा है? मैंने देखा है साहब, मैं जब नारियल छीन रहा था साहब, मैंने मनीष को भागते हुए देखा साहब। मनीष? कौन है मनीष? मनीष सर एक नंबर का छठा बदमाश है साहब, लोगों की पॉकेट मारता है साहब और सामान भी चुरा के लेके जाता है साहब। मनीष, इस देश में बॉम्ब प्लांट करने की सजा जानता है तू? बॉम्ब फटे या ना फटे, तेरी जिंदगी के चिथड़े जरूर उड़ जाएंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, वो बम मैंने नहीं रखा था साहब। नारियल वाले ने तुझे कैसे देखा, झाड़ियों में ब्रीफकेस रख के भागते हुए? सर वो ब्रीफकेस मेरा नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। मैंने सरोजनी मार्केट से वो बैग छीना एक आदमी से, उसके बाद वो आदमी मेरा पीछा करने लगा और मैंने उस बैग को वहां पे फेंका पार्क में और मैं वहां से भाग निकला साहब। बस हीरो चलो उस आदमी का स्केच बनवाओ। सर पूर्वी लोगों को ट्रेस करते हुए वीरा देसाई रोड गई थी, वही लोग पूर्वी को ले गए। सर उन लोगों ने सेंट माइकल रोड से राइट टर्न लिया है। कहीं वो लोग पूर्वी को शहर के बाहर तो नहीं ले जा रहे? सर अगर एक बार वो शहर से बाहर चले गए तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर से बाहर जाना आसान नहीं है, हमने चेक नाके पे इन्फॉर्म कर दिया है। सर उनकी कार की स्पीड कम हो गई है। हमारे उनके बीच में फासला कितना है? तकरीबन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 1 मिनट सर, उनकी कार लेफ्ट में मुड़ गई है। सर लगता है वो शहर की तरफ वापस आ रहे हैं। जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सर उनकी कार तेजी से हमारी तरफ आ रही है। और जब आतंकवादियों की मौत आती है तो CID की तरफ भागता है। सर उनकी कार मेन रोड पे रुक गई है। यहाँ से कितनी दूर है? सर आधा किलोमीटर। सर पूर्वी के मोबाइल का लोकेशन ये बताओ। यहाँ मगर ना पूर्वी है यहाँ पे, ना आतंकवादी, ना ही कोई गाड़ी। सर सिग्नल तो आ रहा है सर। सिग्नल आ रहा है? हाँ सर ये देखिए। विनीत सर फोन लगाओ पूर्वी को। सर बेल। पूर्वी का मोबाइल, इसका मतलब है उन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग इस मोबाइल के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक दिया। सर हो सकता है वो लोग इस घने जंगल में कहीं छुप गए हो। अगर ऐसी बात है तो पूर्वी की जान को खतरा है। क्या पता चला पूर्वी के बारे में? कुछ नहीं सर, दया सर और निखिल उसके पीछे ही गए। और उसके फोन रिकॉर्ड्स क्या बताते? पूर्वी ने आखिरी कॉल अपराधी को किया है सर, बाकी फोन कॉल्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया? ये
रोनित? हाँ रोनित, दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर रोनित, यही आदमी था? इसी के हाथ में ब्रीफकेस था? हाँ सर, इसी के हाथ में था सर। इसका मतलब है ये रोनित हमें गुमराह कर रहा था, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहा और जानलेवा बॉम्ब कहीं और ही प्लांट कर दिया है। सर हाँ, ये देखिए सर, पूर्वी के मोबाइल में आखिरी नाम मारवे लिखा है। मारवे? कितने बजे? 6 बजे सर। 6 बजे? और दया ने पूर्वी के लोकेशन के बारे में कितने बजे फोन किया था? करीब 6 बजे सर। इसका मतलब पूर्वी ने जानबूझ के ये नाम अपने मोबाइल में लिखा। हाँ, पूर्वी ने जानबूझकर ये नाम अपने मोबाइल में लिखा और फिर जानबूझकर वो मोबाइल भी वहीं पर गिरा दिया, उसी जगह पर जहां उसे छुपाया गया है। मारवे, मारवे, पूर्वी ने अपना काम तो होशियारी से किया, अब हमारी बारी है। रोनित की कार यहां पर? रोनित ने अपनी गाड़ी यहां क्यों पार्क की? यहां पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस कब्रिस्तान। पूर्वी को Oh no, ढूंढो। सर, क्या हुआ? सर ये देखिए, पूर्वी की घड़ी। पूर्वी की घड़ी? लेकिन गाड़ी में से फाड़ो, लेकर जल्दी सर। एक मिनट, दरार से साफ करो, संभाल कर। क्या हुआ? पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ है रोनित? क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ? हाँ बोलो, पूर्वी कहाँ? संभाल के। आराम से। एक मिनट, एक मिनट। साफ करो, साफ करो। खोलो से। पूरी, पूरी। ये चल, पूरी हाथ। तुम ठीक हो? हाँ। पूर्वी, निकल, पानी लेके आओ। पूर्वी सर, पूर्वी तुम ठीक हो? निकल, हॉस्पिटल जाओ। से कौन है? किसने किया है सब? कौन है सबके पीछे? लाखिया। लाखिया? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल? जी सर, उसने मेरी बीवी को किडनैप करके रखा सर, उसने मुझे धमकी दिया, उसी ने मुझसे सब कुछ करवाया सर। कहाँ मिलेगा लखिया? कहाँ है वो? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने निर्मल भवन में एक बॉम्ब प्लांट किया सर। निर्मल भवन? सर सोनिया के स्कूल का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन भी वही है। मतलब कई मासूम बच्चों की जान खतरे में।
ये निर्मल भवन है, पर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ भी बम क्यों लगाएगा? लेकिन सर, रोहित ने तो दया सर को निर्मल भवन के बारे में ही बताया। चलो देखते हैं। रोने की आवाज? मरने से पहले जिसको भी याद करना चाहते हो याद कर लो। लाखिया, वाह, पहचान लिया, क्या याददाश्त है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे देशद्रोही को कैसे भूल सकता हूं मैं। अभिजीत, इस बार तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें कैद किया है। और लखिया की कैद से सिर्फ मौत ही आजाद कर पाएगी तुम्हें। ऐसा ही एक बार तुम्हारे भाई ने कहा था, और जो हाल उस देशद्रोही का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा, तुम भी मरोगे। फिलहाल तो तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। 10 मिनट से भी कम वक्त है तुम्हारे पास, और ये डेटोनेटर है मेरे पास, अब तुम क्या करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम चिंता करो फांसी के फंदे की। सीआईडी से कभी जीत नहीं सकते तुम। अभिजीत, कभी जीत तुम्हारी हुई थी, अभी जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। लाखिया, अब क्या करें सर, सारे दरवाजे बंद है, बाहर जाए तो जाए कहां से? रेडी, हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, बाहर वाला तो अंदर आ सकता है। क्या मतलब? सर, अभिजीत सर का व्यवस्था है सर, ये तो लाखिया, अभिजीत ने एमएमएस में लाखिया की फोटो की भेजी। और ये क्या, लाखिया के पीछे ये होटल ग्रैंड व्यू का गेट दिख रहा है, मतलब लाखिया इस वक्त इस होटल के सामने खड़ा है। सर, हम निर्मल भवन पहुंच गए सर। नहीं नहीं, गाड़ी घुमा दो। अभिजीत के एसएमएस का मतलब ये है कि हमें लाखिया को पकड़ना है। मगर तुम लोग फंस कैसे गए, फंक्शन तो शाम को था ना? हाँ सर, फंक्शन शाम को था, लेकिन किसी ने फोन करके हमें कहा कि रिहर्सल चल रही है, और फिर घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। दया, आओ, क्या लोगे, ठंडा या गरम? लाखिया, चिल्लाओ मत, आज बाजी मेरे हाथ में है, यहां
एक बटन दबाया और वहां चार लोगों की जान गई। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना वहां पे तो याद रखना मैं तेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग, तुम सब मेरे गुलाम हो। अब कंध नीचे और हाथ ऊपर रखते हो कि दबाऊं? बताइए बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? बता, बताता है या? सिर्फ दो मिनट बचे। बता दे, बता। बचा सकते हो तो बचा लो। देख देख लखे, लखे। ए, बेहोश हो गया। और क्या करें सर? हाँ दे। हाँ, ये लाखा तो मिल गया मगर वो बेहोश हो गया और उसने हमें ये नहीं बताया कि बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं। दया, सिर्फ डेढ़ मिनट बचे हैं, कोई तो तरीका होगा। ये डिटोनेटर है मेरे पास और इसमें एक बटन है, मैं ट्राई करूं उसे। हाँ दबा। सर, बॉम्ब तो डिफ्यूज नहीं हुआ है। कुछ एक मिनट अभिजीत, ये बॉम्ब बनाने का डायग्राम है यहाँ पे। डायग्राम? देखना मेन सर्किट के पास कौन सा तार है, किस कलर का तार है, जल्दी देखो। एक मिनट ये है। जल्दी करो प्लीज। प्लीज अंकल, हमें बचा लो। लाल 15 सेकंड बचे सर, सर जल्दी। सर 15 सेकंड बस। कौन सा कलर है दया? येलो। अंदर के सर्किट से कनेक्टेड है येलो वायर। ये पीला वाला वायर काट दो अभिजीत, पीला वाला। दया, आर यू श्योर? एक बच्ची और उसकी माँ की जिंदगी का सवाल है दया। हाँ हाँ, पीला काटो। सर सर 3 सेकंड बचे सर, सर जल्दी प्लीज प्लीज। सर, आपने हमारी दो दो बार जान बचाई, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।